एक दिने तेर कोटी हुईबे जे ठूल महागोल हेब जाण महोदधिकूल सकल निंदे जगन्नाथ दारु मूर्ति हिंसा कपट चलिए सकल दंपति। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, महोदधि यानी आप जिसे बे ऑफ बंगाल के नाम पर जानते हैं, यहाँ उड़ीसा में इसे महोदधि कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री महाविष्णु माता महालक्ष्मी के साथ इसी खीर सागर में निवास करते हैं और खीर का और एक मतलब है दधि। भगवान श्री जगन्नाथ जी का दारू इसी महोदधि में तैर कर आया था, इसलिए ये सागर सबसे अलग है और इसका नाम इसलिए महोदधि रखा गया है। महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं, एक दिने तेरह कोटी हुई बेजे ठोड़ा महागुण हेव जाण महोदधि कूल। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, इसी महोदधि के पास यानी बे ऑफ बंगाल के पास एक दिन में 13 करोड़ लोग गैदर होंगे और उनके बीच में महागोल यानी महायुद्ध छिड़ जाएगा। सकल निंदिवे जगन्नाथ दारु मूर्ति हिंसा कपटे चढ़िवे सकल दंपति। इसी समय में इसी उड़ीसा प्रदेश पर, पूरे भारतवर्ष पर और पूरे विश्व में इतने सारे विपत्ति आने लगेंगे कि लोगों का भगवान श्री जगन्नाथ जी के ऊपर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो धीरे धीरे करके टूटने लगेगा। सभी लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी की दारू विग्रह को निंदा करने लगेंगे और लोगों के मन में विश्वास और भरोसा टूटने लगेगा। और जितने भी दंपति, यहाँ लिखा गया है कि सकल दंपति यानी सभी स्वामी और स्त्री के बीच में संपर्क सही नहीं रहेगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं, प्रभु को निंदिवे जेणु मरीजीवे तेणु जवन अंशे जे भये पड़ाइवे तेणु। भगवान श्री जगन्नाथ जी की दारू निर्मित विग्रह को निंदा करना यानी साक्षात परब्रह्म भगवान श्री महाविष्णु का निंदा करना, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर जो पाप और भी बढ़ जाता है। भगवान जो कुछ भी करते हैं मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग इसे समझ नहीं पाते और भगवान का निंदा करने लगते हैं। मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें भगवान का क्या हाथ है। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि कलियुग के अंतिम समय में जो कोई भी भगवान श्री जगन्नाथ का निंदा करेंगे और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उनका मृत्यु सुनिश्चित है। इसी समय भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर से बहुत सारे संकेत देखने को मिल रहा है, अर्थात भगवान हमें गुप्त में संकेत दे रहे हैं, अपने भक्तों को संकेत दे रहे हैं कि तुम लोग अब से सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। इसी समय लोग परब्रह्म की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उनका थट्टा परिहास करते हैं। इसका सिर्फ एक ही अंजाम है कि उनका विनाश सुनिश्चित है। कल की रूप जे प्रभु हुई वे बाहर कोटि कोटि भक्त थे प्रभुक संगर पंच कटक मध्य करे ठणा कहे अच्युत प्रभु नाम हेब गणा। भगवान श्री हरि जब कल की स्वरूप को धारण करके सबके सामने प्रकट होंगे, अर्थात सबके सामने आएंगे, तब उनके साथ करोड़ों संख्या में भक्त लोग होंगे और पंच कटक के मध्य भगवान अपनी लीला का विस्तार करेंगे। पंच कटक जैसे पुरुषोत्तम कटक, चौद्वार कटक, जाजपुर कटक, वाराणसी कटक और हस्तिना कटक। जगत जीवन प्रभु करिवे भोषण भकतंक कषण जे मेंटी जीव पुण। यहाँ श्री अच्युत भगवान श्री हरि को समस्त जगत का जीवन का ज्योति कहा है। सकल घटे नारायण अनादि परम कारण यानी सकल घट में भगवान श्री हरि अर्थात भगवान श्री नारायण ज्योति स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान की विशाल सृष्टि में 56 करोड़ टाइप्स का जीव जंतु निवास करते हैं और इन सभी जीव जंतु के अंदर भगवान श्री हरि का अंश स्वरूप निवास करता है। वास्तव में देखा जाए तो हमें समस्त शक्तियाँ, सिर्फ हमें नहीं समस्त देवी देवता और समस्त मुनि ऋषि और साधु संत लोगों को भी भगवान से ही शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, पद्मे भक्त जेऊ दिन पूर्ण होइव सही दिन महानदी बढ़ी न उठिव। ये कहने का तात्पर्य, जिसी दिन पद्म भक्त यानी पद्मदल भक्तों का संख्या पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन महानदी अपनी कराल स्वरूप को धारण करेगी। मालिका में भक्तों को 4 भाग में विभक्त किया गया है, कोठ दल, पद्म दल, अनंत दल और गहन दल। हर एक ग्रुप में कुछ निर्दिष्ट संख्यक भक्त होंगे, जैसे कहीं 5,000 तो कहीं 10,000। चाहूँ चाहूँ क्षण करे जगत घोटिव राम नाम सबु बेले नग्बे जारी हेब। देखते ही देखते प्रलय जल पूरे जगत में व्याप्त हो जाएगा और इसी समय भगवान श्री हरि अथवा भगवान श्री राम का पवित्र नाम पूरे विश्व में गूंज उठेगा। घरे घरे भागवत पढ़िवे सकल जगत सेते बेले जे दिशिव उज्ज्वल।
इसी समय समस्त घरों में भगवत पठन होगा, जिसके फल स्वरूप संपूर्ण जगत उज्ज्वल दिखेगा। उत्तर दिगु सन्यासी माड़ी न आसीबे, जाजनग्रे घेरी जीवे सर्वे देखु थीवे। इसी पंक्ति को हमने कल भी कहा था कि उत्तर दिशा में जितने सारे साधु संत हैं, जितने सारे नागा सन्यासी निवास करते हैं, जब वो जानेंगे कि प्रभु का जन्म हो चुका है जाजनग्र में, तो वो जाजनग्र चले आएंगे और वहाँ जाकर जाजनग्र के चारों तरफ घेर जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि का पवित्र और दिव्य नाम का स्मरण करते हुए आज इस कथा को यहीं पर रखते हैं। राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।